हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब में फुटनोट्स और एंडनोट के बारे में। पिछले वीडियो में हम टेबल ऑफ कंटेंट को कवर कर चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट फुटनोट और एंडनोट के बारे में। तो फुटनोट और एंडनोट होता क्या है? फुटनोट किसी भी वर्ड का यदि आपको एक्सप्लेनेशन उसी पेज के नीचे करना है तो वो होता है हमारा फुटनोट, और यदि पूरे डॉक्यूमेंट के पीछे करना है किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन तो वो होता है हमारा एंड नोट। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि आपके पास बहुत बड़े बुक की लिस्ट है तो यहाँ पे हम रेंट से ले आ देते हैं मटेरियल। यहाँ पे हमारा आ गया है लगभग, यहाँ पे देखिए पेजेस की संख्या बढ़ रही है, 8 पेजेस हो गए, 4735 समथिंग वर्ड हैं। तो किसी भी वर्ड का यदि आपको एक्सप्लेनेशन उसी पेज के नीचे करना है तो वो हमारा फुटनोट बनेगा। और डॉक्यूमेंट के पीछे यानी लास्ट डॉक्यूमेंट, यानी हमारा डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज कौन सा है, ये 8 पेज नंबर है, तो यदि आपको लास्ट पेज पर करना है तो वो हमारा हो जाता है एंड नोट। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उसके जो प्लेस डिफरेंस रहता है वो रहेगा आपका, ये उसी पेज के नीचे करेगा और ये आपका लास्ट पेज पे। तो देखते हैं पहले फुटनोट में हम कैसे किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन उसी पेज के नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम पेज नंबर 1 पे हैं, यदि आपको इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है इसी पेज के नीचे, आपने देखा होगा बुक्स में क्या होता है, किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन कर जब किया जाता है तो उस वर्ड के यहाँ पे राइट साइड में 1 लिख दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि आपके इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन उसी पेज के नीचे नंबर 1 पे है, है ना। तो साइड में क्या होता है, यहाँ पे 1, किसी अदर वर्ड का कर रहे हो आप 2, इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, तो वो आपका फुटनोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे कर देते हैं फुटनोट। तो देखिए इसी पेज के नीचे आ गया और ये लिखा हुआ है 1। अब आपको उस वर्ड के बारे में आपको जो भी एक्सप्लेन करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आ गए, यहाँ पे देखिए 1 भी लिखा हुआ है, और जब यहाँ पे ले जाइएगा अपना माउस का कर्सर तो यहाँ पे दिखेगा जो भी आपने एक्सप्लेन किया इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाते हैं, जैसे इस वर्ड को एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे दोबारा से फुटनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 आ गया है, इसके बारे में आपको जो भी लिखना है यहाँ से लिख लीजिए। जब वापस जाइएगा तो यहाँ पे देखिए 2 लिख कर आ गया, यहाँ पे जब कर्सर ले जाइएगा तो यहाँ पे दिख रहा है इस वर्ड के बारे में ये एक्सप्लेनेशन किया गया है, और ये नंबर 2 यानी इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे यहाँ पे किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर 1 एक्सप्लेनेशन है और यहाँ पे नंबर 2 एक्सप्लेनेशन है। तो जब भी आप किसी बीच का वर्ड दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहोगे तो ये अपने नंबर को एडजस्ट कर लेगा उसके प्लेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे इसको हमें एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से क्या करते हैं, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए नंबर 2 पे आ गया है, क्यों? क्योंकि यदि आप इसकी नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ऑटोमेटिक अपनी नंबरिंग को यहाँ से एडजस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड को आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया और अपने नंबरिंग को भी यहाँ से एडजस्ट कर लिया है। अब आते हैं फुटनोट। फुटनोट में मैंने क्या बताया कि किसी भी वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको एंटायर डॉक्यूमेंट के लास्ट में करना है तो ये आपका होता है एंड नोट। तो जैसे हम किसी भी पेज पे जा सकते हैं, यहाँ पे यदि आपको इसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको करना है एंटायर डॉक्यूमेंट के पीछे, यहाँ इंसर्ट फुट एंड नोट कर दीजिए। तो देखिए हम यहाँ भी हैं पेज नंबर 2 पर, यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पेज नंबर 9 पे चला गया, हमारे लास्ट पेज की जो नंबरिंग है वो 9 है, 8 वाले पे हमारे पास प्लेस नहीं था इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 9 पे ये जंप कर गया है। तो किसी भी वर्ड का एक्सप्लेनेशन पूरे डॉक्यूमेंट इंटायर डॉक्यूमेंट के लास्ट में करना है तो वो आपका हो जाता है एंड नोट। अब क्या है, ठीक है एक आध दो और वर्ड कर ले रहे हैं हम फटाफट, यहाँ से एक वर्ड कर लिया और यहाँ पे कर लिया, ऐसे ही कर लिया। और उसी तरीके से है कि यदि आप किसी दो वर्ड के बीच में जब आप लोगे तो उसकी भी जो नंबरिंग रहेंगी ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा। यहाँ नंबर 2 है और 1 कहाँ है मुझे पता नहीं, तो उसको भी हम दिखाते हैं कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे 2nd है, इसके बीच का कोई भी वर्ड लीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, नंबरिंग को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ इन नोट करते हैं और यहाँ पे देखिए आपका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं शो नोट। शो नोट्स क्या होता है, जो भी आपका फुटनोट या इंडनोट का एरिया है वो आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाएगा कि वो एरिया आपका कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे आते हैं तो देखिए हमारे इंसर्ट पहले किस पे आया है, इन नोट पे आया है।
क्लिक कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स देगा कि आप क्या देखना चाहते हो, फुट नोट का एरिया या इन नोट का एरिया। तो यहाँ हम इन नोट वाले पे कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए आपको इन नोट का एरिया यहाँ पे दिख गया, ठीक है। दोबारा से क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए इन नोट का एरिया आ गया। दोबारा से क्लिक करिएगा, यहाँ फुट नोट का आपको एरिया देखना है तो फुट नोट पे करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको फुट नोट का एरिया यहाँ पे कर्सर आपका आ जाएगा। दोबारा से क्लिक करिएगा तो जो भी आपका एरिया यहाँ पर है वहाँ पर ये आपको ले जाएगा। तो आज हमने पढ़ा फुट नोट और इंड नोट के बारे में। फुट नोट क्या होता है, किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन उसी पेज के नीचे करना है तो वो आपका हो जाता है फुट नोट। और इंड नोट क्या होता है, ये आपके डॉक्यूमेंट के पीछे किसी भी वर्ड का एक्सप्लेनेशन करता है। और सो नोट उसका एरिया हम देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो आज का आपको टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी वहाँ से आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।